Hi guys, this is Bilal Ashraf, and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page, and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures, and much more. ये एक है लेकिन कदीर भाई वाला नहीं है यहाँ। अच्छा हटो, मैं देखता हूँ। सूट भी बहुत ही अच्छा है। पूरे 3,000 का है अम्मी। 3,000? हाँ। लेकिन तुम्हारे अब्बू ने तो तुम्हें वलीमे के सूट के इतने पैसे नहीं दिए। अच्छा ना, अब आप हिसाब किताब लेने मत बैठ जाइएगा। आप चीजें देखें, ये देखें जूते, ओरिजिनल लेदर के हैं अम्मी। ये देखें। वाकई बहुत अच्छे हैं। है ना, आपको और भी दिखाता हूँ मैं। ये परफ्यूम भी है और ये घड़ी भी है अम्मी, ये भी ओरिजिनल है। बहुत अच्छा लग रहा है, चीज़ें तो भाई बहुत आला और में आ रही हैं, है ना? बस ये लायो। अच्छे पैसों से खरीदी गई है तो क्यों ना अच्छी होगी। ओह, अब हम दोस्त ने शॉपिंग करवा दी, उसको मना भी किया लेकिन ज़बरदस्ती दिला दी ये सारी चीज़ें। लगता है नोटों का दरख्त है उसके पास, जब इतनी ढेर सारी शॉपिंग करा दी उसने। हाँ ना, बहुत बड़े बाप का बेटा है, ये सब चीजें तो कोई अहमियत ही नहीं रखती उसके लिए। मगर तुम बड़े बाप के बेटे नहीं हो, लिहाजा अपनी औकात में रहो। क्या है, आप तो बच्चे के पीछे ही पड़ गए। पीछे पड़ गए? क्या मतलब पीछे पड़ गए? बच्चों की हर हरकत पे नजर रखना माँ बाप का फर्ज होता है जरीना बेगम, वरना पानी सर से गुजर जाए तो पछतावों के सिवा कुछ नहीं बचता। मूड खराब कर दिया। अरे दफा कर, इन्हें आदत है इतने लंबे लंबे लेक्चर देने की, मुझे भी ऐसे ही सुनाते रहते। क्या दिखा रहे थे तो मुझे, कौन सी है भाई? अच्छी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या खुशबू आ रही गुलशन, मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि तुमसे कहूं कि मेरे लिए आलू की भुजिया बना दो, और तुमने बना दी। जी, मुझे बेगम साहिबा ने बताया था कि आपको ये बहुत पसंद है तो आज बना लो। Really? So nice of you, mom. अच्छा ये बताओ कि और क्या क्या बना है? आज हलवा पूरी और चने हैं। वाह, आज तो मेरे पसंद का पैकेज बना है। क्या बात है। अच्छा गुलशन, मुझे हो रही है अब ऑफिस के लिए देर, तो जो पराठे के लिए मैंने तुमसे कहा था वो भी ले आओ। शाबाश। ओ, पराठे? हाँ पराठे, आलू के पराठे कहते ना, जाओ ले। गुलशन, सैफी ने आलू के पराठे कहे थे? पर बेगम साहिबा, आपने तो सिर्फ मुझे पूरी बनाने को कहा था। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं आप लोग? मैं जानता हूँ ये आप दोनों की मिली भगत है। आप ही ने इससे कहा होगा कि फैजी के पसंद का नाश्ता बनाओ तो उसने बना दिया, उसमें इसका क्या कसूर? बिल्कुल नहीं सैफी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या बात है। बात दरअसल ये है कि आपने हमेशा मुझ पर फैजी को तरजीह दी है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हर मामले में सबसे पहले फैजी, उसके बाद मैं। तो ठीक है ना, बना दिया उसने फैजी के लिए। सफी बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तुम पूरियां खा लो, कल पराठे बना लेंगे। हाँ चलो बेटा, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। अभी तो नाश्ता करो। अरे अरे, क्या कर रही हो? रखो निवाला, रखो रखो भाई, ये बहुत स्पेशल नाश्ता है, ये सिर्फ फैजी के लिए बना है, ये हम थोड़ी खा सकते हैं। आपको पूरियां तरकारी खानी है, मैं आपको खिला दूं, ये मत खाइए प्लीज। अरे अरे, कैसी बात कर रहे हो बेटा? सैफी बेटा, प्लीज ऐसा नहीं करते। चलो उठो सैफी, नाश्ता तो देर हो रही है मुझे, जल्दी आओ। फैजी बेटा प्लीज। छोड़ आए मां को? जी। आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे?
आज थोड़ी देर से जाऊंगा। दादो, इस मसले का कोई तो हल निकालना होगा। अम्मी की जो गलत फहमी है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन माँ के इम्तिहान हो रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो। मैं चाहती हूँ उसका ध्यान इन सब बातों से हट जाए, लेकिन मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगी, मगर बहुत सब्र और सुकून के साथ। अच्छा दादो, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। ठीक है, जाओ बेटा। मैंने आपको बताया था फरी का फोन आया था, बहुत खुश है वो। बता रही थी सुफियान बड़े आला पैमाने पर वलीमा करने जा रहे हैं, बड़े बहुत बड़े होटल में बुकिंग करवाई है उसने। पहले जिस होटल में बुकिंग कराई है ना, वहाँ बुकिंग नहीं मिल रही थी, इसीलिए 3-4 दिन का गैप हुआ है। अच्छा, तो इसीलिए तुम्हारे चहीते साहबजादे ने इतनी सारी शॉपिंग की है। क्यों ना करे, इकलौती बहन की शादी है उसकी, भाई है उसका, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। दुल्हन का भाई होने का ये मतलब नहीं है कि वो मांगे तांगे के पैसों से शॉपिंग करता फिरे, और मुझे तो यकीन ही नहीं है कि उसका कोई दोस्त उसे इतनी महंगी शॉपिंग करा सकता है। वाह वाह, क्या बात है आपकी बशारत साहब, दुनिया अपनी औलाद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरती। और मेरे बच्चे ने अगर अपने जोर बाजू पे एक अपनी नन्ही सी ख्वाहिश पूरी कर ली तो कैसा खटक रहा है आपको। जरीना बेगम, मेरे पास दूसरों की तरह हराम के पैसे नहीं है जो फजूल लुटाता फिरूं, समझे तुम। क्यों पैसों की फिक्र कर रही हो, मैं कह रहा हूँ ना पैसे हैं मेरे पास और बहुत हैं। हाँ ना, मैंने बताया था कि बहन की शादी हुई है, माशाल्लाह से बहुत बड़े घर में हुई है, उसने दिए मुझे शॉपिंग के लिए। तो तुम बस सीन बनाओ, हम पहले मूवी देखेंगे फिर खाना खाएंगे। नहीं, मैंने भी रमशा को बोला है, उसके अलावा तुम बोल दो, मैं करूँगा ना खर्चा, जितना खर्चा होगा मैं करूँगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहा हूँ ना मैं, खर्चा करना तुम्हारा काम है, है? बहुत साहूकार हो ना तुम कि तुम खर्चा करोगे उसका। मैं ट्रीट दे रहा था दोस्तों को। हाँ, फिल्म दिखाओगे, उनको खाना खिलाओगे, उसको दावत दे रहा था। आओ जरा तुम्हारी माँ को भी बताऊं कि तुम कितने साहूकार हो। मैं चलो ना, मैं दावत दे रहा था। चलो इधर चलो, तुम्हारी माँ को पता लगना चाहिए कि तुम क्या कर रहे थे। क्या हो गया, फिर बात तो संभालो इस अपने लाडले को। क्या हुआ, क्यों गुस्से में, क्या किया शेबी, क्या हुआ। जान से मार दूंगा इसे, चोरी की इसने घर में। मैंने चोरी नहीं की, वो पैसे मुझे सुफियान भाई ने दिए थे। सुफियान भाई ने? हाँ। अभी पूछता हूँ फरीन से। क्या हुआ? मुझे बताओ, संभालूंगा, बताओ ना। अब्बू को गलतफहमी हो रही है, ये समझ रहे हैं कि मैंने चोरी की है, जबकि वो पैसे मुझे सुफियान भाई ने दिए थे। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे, सुफियान भाई ने दिए। भला सुफियान इसे क्यों 10,000 देने लगा, 2 ही दिन तो हुए हैं शादी को, इसने घर में चोरी की है। तुमसे मिला ही कब है वो? अभी फरीन फोन नहीं उठा रही, उससे तो मैं पूछ ही लूंगा। और खबरदार, जो तुमने उससे कोई साजबाज करने की कोशिश की और अपने बेटे से कहो, चहीते लाडले से कहो कि वो पैसे जलमारी से निकाले, तुम्हें वापस करे, वरना इसका मैं वो हशर करूंगा कि याद करेगा ये। भाई अम्मी, आपको मुझे पहले कॉल करनी चाहिए थी ना। कैसे करती, बैलेंस ही नहीं था मेरे पास। अम्मी आपको पता है, अब्बू की कॉल आई थी, उनकी बात मुझसे नहीं हुई, सुफियान से डायरेक्ट बात हो गई है। सुफियान ने तो उनसे सारे किस्सा पूछ लिया कि आखिर वजह क्या हुई। हाँ तो बहुत ही बुरा हुआ, देखना क्या तूफान बर्बाद करेंगे वो, शाम में आके बहुत हंगामा करेंगे वो फरी। अच्छी बात है अम्मी, शेबी को आपने ना बहुत सर पे चढ़ा लिया, अब उसका दिमाग ठीक करना ही पड़ेगा। क्या करूं, बच्चा है, हो गई गलती उससे। सही है अम्मी, आप उसकी गलतियों पे ऐसे ही पर्दा डालती रहे, एक दिन आप खुद पछताएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, सुफियान ने मुझसे पूछ लिया कि आखिर किस्सा क्या है, इतनी इतनी कहानियां बनानी पड़ी मुझे, मैंने तो इतनी मुश्किल से कवर किया है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अब आपको शेबी पे नजर रखनी पड़ेगी, वरना ऐसे सब कुछ ठीक नहीं होगा। वो 2,000 खर्च हो गए मुझसे। बेशरम, अपने घर मिला था चोरी करने को। मुझसे गलती हो गई, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। कुछ अंदाजा है? हाँ
अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से घर में कितना फसाद बरपा हुआ है? मैं कह रहा हूँ ना, गलती हो गई। अब अब्बू से बचा लें, वो बहुत गुस्से में आज। बचा लें? कितनी कितना हंगामा हुआ घर पे, माँ पे इल्जाम लग गया और तुम गुंगे बने खड़े रहे, एक लफ्ज नहीं फूटा मुंह से। बचा लें, बस अम्मा ना उनको ढायल हो गई, कुछ भी गलती करो अम्मा बचा लें, अम्मा बचा लें। मुझे पता है ना आप बचा लेंगी मुझे, कुछ सोचें प्लीज। सोचे ना, पहले नहीं मशवरे मांग सकते थे जब चोरियां करते फिर रहे थे? सॉरी। क्या हो रहा है? एग्जाम्स चल रहे हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। गुड। अच्छा महा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। शेबी, क्या हमारा ताल्लुक सिर्फ पैसे के लेन देन तक रह गया है? अच्छा बातें मत बनाओ, देर हो रही है मुझे यार। नहीं है मेरे पास, प्लीज तुम जाओ यहां से, मैं डिस्टर्ब हो रही हूं। तुम भूल क्यों नहीं जाती सबको? सच एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। मन्नो, कुछ सच इतने तल्ख होते हैं कि उनकी करवाहट सारी जिंदगी में घुल जाती है। हाँ रमशा यार, एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई है तो आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा हमें। आई एम सॉरी। आज का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा, बल्कि डिनर आज मेरी तरफ से होगा। तुम तैयार हो जाओ। और हाँ, मुझे तुम सबको एक सरप्राइज भी देना। तुम भी कमाल हो रमशा, तुम्हारा जवाब ही नहीं है। चलो मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। ओके ओके बाय। जब तुम कुछ बन जाओगी ना तो सबकी जबानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। तुम ठीक कह रहे हो मनु, मुझे अपना मुकाम खुद बनाना है और साथ साथ मैं तुम्हें भी पढ़ाऊंगी ताकि तुम भी किसी से कमतर नजर ना हो। ओ हो 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 हो, तोता मैना की कहानी चल रही है हैं? तोते साहब, आई एम सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों को, मैं चलता हूँ, जारी रखें आप लोग। बकवास बंद करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। शर्म तुम्हें आनी चाहिए इस तरह की हरकतें करते हुए। वहां इसकी बातों पर ध्यान मत देना, तुम तो जानती हो ना कैसा है। है ना रमशा, तुम बिल्कुल नहीं बैठ रही हो। यार ये तो बस। हाय रमशा। हाय श्वेब, बिल्कुल टाइम पर आए। ऐसा हो सकता है कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? मैं प्लेयर। ये लोग तुम्हारे साथ? हाँ ये मेरी कजन है वानिया, ये लोग दुबई में सेटल थे, अभी पाकिस्तान आए हैं। और वानिया ये श्वेब है। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। मैंने कहा था ना मेरे पास एक सरप्राइज है। तो वो ये है, मेरा फियांसे फहद लाशारी। यंसे? Yes, dear.
मेरे फियांसे जो दो रोज पहले कैनेडा से आए हैं, मुझे पता था तुम यूं ही हैरान होगे, है ना बड़ा सरप्राइज। हाँ बहुत बड़ा सरप्राइज है, लेकिन तुम्हारी मम्मी कब हुई? ये तो बचपन की बात है यार, मेरा फर्स्ट कजन भी है, ये तो हमारी फैमिली ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था। क्यों तुम्हें खुशी नहीं हुई श्वेत? नहीं नहीं बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो चलो फिर खाना ऑर्डर करते हैं, क्यों फहद? श्योर डार्लिंग। श्वेत आज तुम मेरे खास मेहमान हो, इसलिए तुम ऑर्डर करो। अगर ये लोग भी तो आए हैं। मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं बुलाया, इनफैक्ट वहाँ तो मुझे और वानिया को लंच पर लाने वाले थे, लेकिन मैंने तुम्हें भी बुला लिया क्योंकि तुम मेरे खास दोस्त हो। ये क्यों देखे जा रही है खामखा? एक झूठा इल्जाम लगाकर आप मुसलसल दादू की और मेरी बेइज्जती कर रही हैं। बच्चे बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, तुम्हारी तो दो टके की इज्जत नहीं ना, तभी तो सुफियान ने भी ठुकरा दिया ना तुम्हें। तुम किसी ऐसी जगह पर चली जाओ जहां तुम्हें किसी की चाकरी ना करना पड़े, और 8-10 दिन में घर ढूंढ लो और जान छोड़ दो हमारी।